गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो इसी साल हमारे बोर्ड्स में इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर राइटिंग सेक्शन जैसे पहले स्टोरी राइटिंग आर्टिकल फॉर्मल लेटर इसी तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ अब स्टूडेंट्स वी कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक बिकॉज इट इज़ कैरिंग टेन मार्क्स ओके और टेन मार्क्स बहुत होते हैं बोर्ड्स में एक एक नंबर के लिए हम टेंशन uh, uh, में आ जाते हैं तो टेन मार्क्स तो हमारे लिए बहुत हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ भाई एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है एनालिटिकल पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जिसमें हमें लिखनी होती है दैट इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ए गिवन चार्ट ग्राफ डाटा आउटलाइन क्लूज टेबल कुछ भी दे दिया होगा कोई चार्ट या कोई ग्राफ कोई डाटा तो हमें उसको बिल्कुल केयरफुली स्टडी करना होगा और अपने जो हमें माइंड में व्यूज़ आते हैं उस ग्राफ चार्ट को देख के वो हमें डिस्क्राइब करने होते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट जो ग्राफ में या चार्ट में दिया हुआ है हमें वही डिस्क्राइब करना होता है वन शुड रिमेंबर टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड टू कवर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड और जो हमें इंफॉर्मेशन उस ग्राफ से मिल रही है हमें वही डिस्क्राइब करनी है आपको वो फैक्ट्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं और नेक्स्ट में हमें बताया कि एनालिटिकल पैराग्राफ हमें हंड्रेड टू वन हंड्रेड ट्वेंटी वर्ड्स में लिखना चाहिए हमारी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हमें ये ग्राफ या चार्ट बिल्कुल समझ आ गया और वही फैक्ट्स हम डिस्क्राइब कर रहे हैं ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए यह मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इस तरीके से आपको टेबल दी जाएगी या फिर ऐसे पाई चार्ट दे दिया जाएगा जिसको आपको देखना होगा कि क्या चीज़ दी गई है ओके नेक्स्ट इस तरीक़े का ग्राफ आ जाएगा तो ये चीज़ें होती है जो हमें स्टडी करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने पैराग्राफ में फैक्ट्स लिखने होते हैं चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि फैक्ट्स क्या होते हैं कैसे डिस्कस कर किया जाता है ये था हमारा सेकेंड पेज फीचर्स ऑफ एन एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग अब क्या क्या फ़ीचर होने चाहिए भाई देखो क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट टेबल डाटा ग्राफ फ्लूज एटसेट्रा ये मैं आपको बता चुकी हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ या तो किसी टेबल को डिस्क्राइब करते हैं हम चार्ट को ग्राफ को इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव एट द सेम टाइम ये बहुत ब्रीफली हमें लिखना होता है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी देनी होती है ब्रीफ के साथ साथ हमें क्या करना होता है कि जो हमें ग्राफ में या चार्ट में दिखाई दे रहा है हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जामिनर को बतानी है कि यहाँ इस चार्ट में ये ये सब दिखाई दिया है इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट जो फैक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं हम सबको दिखाएंगे इट इज़ नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल और एक्यूरेट होनी चाहिए इट शुड मैंशन फिगर्स एंड क्वान्टिटीज़ अप्रोप्रिएटली हुई भाई जो फिगर्स या क्वान्टिटीज़ हमें चार्ट ग्राफ या टेबल में दी हुई है हमें बिल्कुल एज इट इज बतानी है हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ दट सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ बट दिस इज़ द मेन पॉइंट हमें एक ही टेंस यूज करना है हमारी अपनी कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन या रिस्पॉन्स नहीं देना हमें हमें सिर्फ फैक्ट्स डिस्क्राइब करना है जो हमें दिखाई दे रहा है इट वुड बी प्रेफरेबल टू यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब और अगर आप पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग भाई एनालिटिकल पैराग्राफ को कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है इट इज़ डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देंगे देखो एक्सप्लेन इन वन और टू लाइन्स द सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ गिवन इंट्रोडक्शन में हमें ये दो या तीन लाइन में ख़त्म वन इसमें तो वन और टू लिखा हुआ है बस कि हमें एक या दो लाइन में इंट्रोडक्शन खत्म कर देना है भाई ये चार्ट किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है सपोज पॉपुलेशन किस डिफरेंट कंट्रीज़ को डैथ और बर्थ रेट या फिर बच्चों का गेम वॉचिंग या इनडोर गेम आउटडोर गेम की रेशो तो जो हमें दिखाई दे रहा है हमें सिर्फ सब्जेक्ट बता देना वन और टू लाइन्स में कि दिस ग्राफ शोज दिस एंड दैट लाइक दिस देन कम्स बॉडी सेकेंड पार्ट इज बॉडी ऑफ द पैराग्राफ भाई अब बॉडी ऑफ द जो पैराग्राफ है वी कैन सब डिवाइडेड दिस यानी कि हम ए, एक ही पैराग्राफ में दो पैराग्राफ डिवाइड कर सकते हैं एक पैराग्राफ को और जिसमें हमें बताना होगा या तो रेलिवेंट uh, फिगर्स हमें समझानी होगी कंपैरिजन दिया हुआ है तो दो चीज़ों में तो एक पैराग्राफ में हम एक लिख देंगे दूसरे में दूसरा दोनों कंपेयर हो जाएंगे तो हम बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एनालिटिकल पैराग्राफ हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दो पैराग्राफ देन कम्स लास्ट कंक्लूजन नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा कंक्लूजन कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द ग्राफ जो भी हमने ग्राफ स्टडी किया है सारा उसका एक ओवरऑल व्यू दे, दे देंगे ये भी दो या तीन लाइन में तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है अब हम यूजफुल टिप्स पे बात करते हैं ये हम लास्ट में देखेंगे यूजफुल टिप्स सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है ओके okay, अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे बिलो इज अ ग्राफ गिवन शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट्स इन अ कंट्री फ्रॉम नाइनटीन जीरो वन राइट एंड एनालिटिकल पैराग्राफ भाई कुछ बातें तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गई है कि भाई ये ग्राफ है और इसमें बर्थ और डेथ रेट्स दी हुई है कंट्री की और कब से कब तक नाइनटीन पैराग्राफ लिखना है हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स ये हमें वर्ड लिमिट्स इसमें गिवन है आपको वर्ड लिमिट देखनी है सबसे पहले बात देखो, देखो बेटा आप सब यहाँ देखोगे कि आपको मैम यहाँ तो टेन ट्वेंटी थर्टी दिया है बट यहाँ पे दिया हुआ देखो, है देखो थाउजेंड ये ट्रिपल जीरो दीज आर दर्स ओके okay, अब हम क्वेश्चन देख सकते हैं दिस ग्राफ व्हाट डज इट शोइंग नाउ सब्जेक्ट देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाइनटीन जीरो वन टिल टू वन जीरो वन ये हमारा सब्जेक्ट है बिल्कुल दो लाइंस में हमारा खत्म हो गया है कि ये ग्राफ हमें शो कर रहा है बर्थ और डेथ रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम देखो ये पैराग्राफ हम ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट और ये नाइनटीन जीरो वन से स्टार्ट होके टू वन जीरो वन तक है कंप्लीट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अब देखिए हमारी बर्थ और डेथ रेट दो चीज़ें हमने डिस्क्राइब किया दोनों के बीच में कंपेरिजन हमें शो करना होगा तो हम क्या करते हैं इसको दो पैराग्राफ में डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में हम बर्थ रेट को डिस्क्राइब कर देंगे सेकेंड पैराग्राफ में हम डेथ रेट को डिस्क्राइब कर देंगे और कंक्लूजन में ओवरऑल व्यू दे देंगे बस तो सबसे पहले हम बर्थ रेट को डिस्क्राइब करते हैं ओके okay. सिंस 1901 द बर्थ रेट हैज रिमेन्ड मोर देन द डेथ रेट अंटिल 2041 अब ये कह रहे हैं कि 1901 से बर्थ रेट हमेशा ज्यादा ही रही है डेथ रेट से कब तक 2041 तक टिल 2041 ये देखो क्या है हाँ भाई ऐसा ही है देखो बर्थ रेट हमारी ट्वेंटी थाउजेंड है और डेथ रेट टेन थाउजेंड नाइनटीन जीरो वन में और ये कब तक ज्यादा रही है टू जीरो फोर वन यहाँ तक यहाँ तक हमेशा ज्यादा ही रही है अब टू जीरो सिक्स वन से पहले यहाँ पे क्रॉस हो गया कि ये बढ़ गई है तो हमें पहला पॉइंट हमारा यही आ गया फर्स्ट लाइन हमने यही लिख दिया कि नाइनटीन जीरो वन से लेकर टू जीरो फोर वन तक हमारी देखो बर्थ रेट हमेशा ज्यादा ही रही है नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि ये देखो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि ये पीक पर आ गई है यहाँ यहाँ पे तो हम पीक पर आ गए कब है ये ये है आपका 1961 में एक पॉइंट हमारा ये हो गया लाइन हो गई ऐड हो गई कि 1961 में तो ये पीक पर पहुंच गई थी उसके बाद क्या हुआ 1961 के बाद यहाँ तक देखो यहाँ तक यहाँ तक यानी यहाँ तक ये यह है टू जीरो टू वन कभी ज्यादा कभी कम तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएट ठीक है कभी ऊपर हो गई है कभी नीचे हो रही है तो इसे बोलते हैं फ्लक्चुएट एक ये वर्ड आ गया कि इन दोनों ईयर्स के बीच में फ्लक्चुएट हो गई फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे देखो कि यहाँ पर बर्थ रेट टू ज़ीरो फोर वन में डिक्रीज होना स्टार्ट हुई और उसके बाद तो डिक्रीज ही होती गई जबकि टू ज़ीरो वन में डेथ रेट हाई होना स्टार्ट हुई इंक्रीज होना स्टार्ट हुई और उसके बाद इंक्रीज ही है उसके बाद ओवरऑल व्यू हमारा क्या जाता है हु� कि भाई उसके बाद ये कॉन्स्टेंट इंक्रीज ही है अभी तक यही सब पॉइंट्स हमने लिखने जो हमने ग्राफ में देखा है देखो बर्थ रेट वॉज ट्वेंटी थाउजेंड इन नाइनटीन जीरो वन एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली बढ़ती रही जो मैंने आपको बताया था इट पीकड इन नाइनटीन सिक्सटी वन ये देखो नाइनटीन सिक्सटी वन में क्या हुआ था पीक पर पहुंच गई थी मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे नाइनटीन सिक्सटी वन में ये पीक पर पहुंच गई ओके टू अराउंड सिक्सटी फाइव थाउजेंड भाई कब पी पर जब पहुंची तो अब कितना था सिक्सटी फाइव थाउजेंड ये देखो सिक्स सिक्सटी और सेवनटी के बीच में तो हम इसे सिक्सटी फाइव थाउजेंड अराउंड मान लेंगे अब हमने एग्जैक्ट हमने क्वान्टिटी फिगर ये पी बता दिया और फिर नाइनटीन सिक्सटी वन से बर्थ रेट हैज़ फ्लक्चुएटेड मल्टीपल टाइम्स बिटवीन फिफ्टी थाउजेंड एंड सिक्सटी थाउजेंड ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया था देखो हमने क्या स्टडी किया था कि नाइनटीन सिक्सटी वन से क्या हुआ ये हमारा बर्थ रेट फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया यहाँ पीक पर पहुंचा कभी कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ कभी कम हो गया फिर ज़्यादा हो गया तो फ्लक्चुएट हो रहा था है ना फिफ्टी थाउजेंड और सिक्सटी थाउजेंड के बीच में चल रहा था ये ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया जो जो हम रीड कर रहे हैं बस वही लिख रहे हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फॉर द कमिंग ईयर्स रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी टू थाउजेंड बाई टू वन जीरो वन और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कितना डिक्लाइन uh, हो सकता है कमिंग इज यानी टू वन ज़ीरो वन में फोर्टी टू थाउजेंड तक भी डिक्लाइन हो सकता है टू वन जीरो वन में ये देखो फोर्टी टू थाउजेंड यहाँ तक आया हुआ सिमिलरली हम ये बताएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में डेथ रेट को डिस्कस कर लेंगे भाई डेथ रेट क्या थी नाइनटीन जीरो वन में टेन थाउजेंड थी धीरे धीरे ये इंक्रीज़ हुई और यहाँ पर आके एकदम से रैपिड इंक्रीज़ हो गई रैपिड चेंज आ गया टू थाउजेंड वन से टू थाउजेंड फोर्टी वन के बीच में एकदम से फास्ट इंक्रीज़ हुई ठीक है और उसके बाद तो ये हमेशा इंक्रीज ही रही है डेथ डेथ रेट बस यही सब सा पॉइंट हमने डाल देने ये देखो ऑन द अदर हैंड और दूसरी तरफ डेथ रेट स्टूड एट अराउंड टेन थाउजेंड इन जीरो स्टडीली पहले तो धीरे धीरे बढ़ रही थी और इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली यानी एकदम से बढ़ गई फ्रॉम टू जीरो टू वन से बिफोर लेवलिंग ऑफ टू अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी थाउजेंड बिटवीन टू जीरो सिक्स वन एंड टू जीरो एट वन द ग्राफ इंडिकेट्स अ स्लाइट डिक्लाइन इन डेथ इन दर टू वन जीरो वन इस ग्राफ में हमें ये भी पता चलता है कि टू वन जीरो वन में हल्की सी यहाँ पर हल्की सी डिक्लाइन भी हुई थी जैसे ये जा रही थी तो हल्की सी डिक्लाइन हुई यहाँ पे बस फिर तो ऊपर ही चलती गई बस हमने यही सब एनालिटिकल पैराग्राफ है हमें जो हम जो देख रहे हैं ग्राफ में पैराग्राफ और टेबल में हमें बस वही देखना है और ओवरऑल कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे

ये देखो हाउ एवर दिस गैप इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूज़ इन द लेटर ईयर ये गैप धीरे धीरे कम होता गया ओवरऑल एज अपोज टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स द डेथ रेट विल बी मोर देन द बर्थ रेट इन द लेटर हाफ ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी और उसके बाद तो डेथ रेट हमेशा ज़्यादा ही रहा ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तक आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने ग्राफ को स्टडी करना है और कैसे कैसे हमें लिखना है अब हम आप डिस्कस करते हैं कुछ टिप्स जो हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हुए हमें देखने होते हैं देखो सबसे पहला कि अगर चार्ट गिवन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं यूजफुल टिप्स इंट्रोडक्शन देने के लिए हमें ये हम लाइंस यूज कर सकते हैं जैसे द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब कोई चार्ट दिया हुआ है तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं लाइन को कि ये चार्ट द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब दिस एंड दैट वट एवर इट इज़ द टेबल सजेस्ट टेबल हमें ये सजेस्ट करती है उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं द लाइन ग्राफ शोज़ वट एवर इट इज़ द डाटा अगर डाटा दिया हुआ है तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओके और पाई चार्ट दिया हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं द पाई चार्ट एलोस्ट्रेट्स जो भी हमें दिया हुआ है और अगर हम ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करें यानी कहीं पर ग्रोथ हो रही है कहीं पर डिक्लाइन uh, हो रहा है कहीं पर कोई क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है कहीं डिक्रीज़ हो रही है तो हम ये फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए जैसे अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ ये पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखा गया कहीं पर रैपिडली डबल हो गया तो ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं दैट विल मेक अर लैंग्वेज मोर ब्यूटीफुल स्काई रोकेटेड स्ट्राइकिंग इंक्रीज पीक पर पहुंचाना पीकड डिकलाइंड फ्लक्चुएट मैंने आपको बताया था ठीक है ऐसे ही क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करना हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं फोर्टी एट परसेंट ऑफ़ या वन थर्ड ऑफ नियरली वन फोर्थ ऑफ ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट मेजोरिटी ऑन एवरेज ट्वाइस एज मच दीज आर दर्ड्स अच्छा अगर हमें दोनों दो चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है या कंट्रास्ट दिखाना है तो हम ऐसे फ्रेजेज़ यूज़ कर सकते हैं जैसे रिलेशनशिप बिटवीन जो भी बातें की गई हैं सिमिलरली या इन कंट्रास्ट विद इन कंपेरिजन टू बट इन इन द अपोजिट केस ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं और कंक्लूजन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं ये वाले भर भाई ऐसे ऐसे भारी भरकम वर्ड यूज़ करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर भी एक अच्छा प्रेशर पड़ता है हमारा ओवरऑल सब्सिक्वेंटली इन ऑल इन अट शेल फॉर द चार्ट गिवन इन शॉर्ट स्ट्राइकिंग चेंजेज इंक्लूडिंग देयर फॉर एट्सट्रा आई होप आपको समझ आए होगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें सब्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें थैंक यू हैव अ नाइस डे